बुलबुल ये 2020 की फेमिनिस्ट थीम पर आधारित एक फिक्शनल काल्पनिक फिल्म है जो अपने बुलबुल के कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए आर्टिस्टिक लिबर्टी की आड़ में भारतीय संस्कृति कैसे पुरुष प्रधान और दकियानुसी परंपराओं से भरी हुई है ये दिखाने का यथासंभव प्रयत्न करती है। इसकी राइटर और डायरेक्टर है अन्विता दत्त, जिनकी ये पहली फिल्म है एज डायरेक्टर। अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। उनकी पिछली प्रोपेगेंडा सीरीज पाताल लोक, जिसे अभी भी लोग गालियाँ देते हुए नहीं थक रहे हैं, उसी बीच में उनकी ये नई फिल्म बुलबुल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। उनका जो प्रोडक्शन हाउस है क्लीन सेट फिल्म्स, वो इसके पहले भी NH10, परी और फिल्लोर जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुका है। कहानी की अगर हम बात करें तो ये कहानी है आज से 140 वर्ष पूर्व के बंगाल में रहने वाले गांव के एक ठाकुर परिवार की, जिनकी बहुत बड़ी हवेली है। ये परिवार बहुत ज़्यादा हिंदू रीति रिवाजों का पालन करता है, मंत्र जाप करना, पूजा पाठ करना, यानी बहुत धार्मिक इस परिवार को फिल्म में दिखाया गया है। इंद्रनील ठाकुर, जिसकी आयु करीब 35-40 वर्ष होगी, वो इस परिवार का मुखिया है। उसका एक जुड़वा भाई भी है जिसका नाम है महेंद्र। महेंद्र मानसिक रूप से दिव्यांग है, उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी का नाम है बिनोदिनी, ये कैरेक्टर पावली दाम ने प्ले किया है। अब इंद्रनील और महेंद्र, इनका एक सबसे छोटा भाई भी है जिसका नाम है सत्या। सत्या की आयु अभी केवल 6-7 वर्ष ही होगी। फिल्म की शुरुआत में ही इंद्रनील एक 5 वर्ष की बच्ची बुलबुल से विवाह करके तुरंत उसी दिन उसे अपने बड़ी हवेली में, ससुराल में लेके आता है। पर शादी के दिन बुलबुल करीब करीब उसकी ही आयु के सत्या को देख लेती है और बुलबुल सत्या को ही अपना पति मान बैठती है। पर जब वो शादी के दिन उसे ससुराल लेकर लाया जाता है और उसे सुहागरात के लिए सजा धजा कर जब बिस्तर पर बिठाया जाता है, तब महेंद्र, जो मानसिक रूप से दिव्यांग है, वो सबसे पहले तो उसे गलत तरीके से छूकर सेक्सुअली अब्यूज़ करने की कोशिश करता है। पर तभी इंद्रनील वहाँ पर आ जाता है, महेंद्र को टोकता है, यानी महेंद्र की पत्नी बिनोदिनी को टोकता है कि तुम्हें अपने पति का ध्यान रखना चाहिए। और फिर सुहागरात के लिए सोने से पहले इंद्रनील बुलबुल को बताता है कि सत्या नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ। धीरे धीरे तुम्हें पति और देवर के बीच का फर्क पता चल जाएगा। अब बुलबुल घर के मुखिया इंद्रनील की पत्नी होती है, इसलिए वो केवल 5 वर्ष की होते हुए भी सब उसे बड़ी बहू कहते हैं। और बिनोदिनी, जो काफ़ी लंबे समय से उस हवेली में होती है, आयु में भी काफ़ी बड़ी होती है, फिर भी सब उसे छोटी बहू कहते हैं। और इसलिए छोटी बहू शब्द बिनोदिनी को बहुत ज़्यादा चुभता है और वो बुलबुल से जलने लगती है। इसके बाद में फिल्म सीधे 20 वर्ष आगे पहुँच जाती है और फिर फ्लैशबैक में धीरे धीरे हमें पता चलता है कि इन 20 वर्षों में बुलबुल का अपने छोटे देवर यानी सत्या के प्रति प्रेम बढ़ते ही जाता है। इसके अलावा जो बिनोदिनी है, वो अपने बड़े देवर यानी इंद्रनील को खुश करने की हर संभव वो कोशिश करती है। इंद्रनील के साथ वो सोती है, अपने बड़े देवर के साथ वो सेक्स वगैरह, जो भी हर संभव तरीके से बिनोदिनी इंद्रनील को खुश करने की कोशिश करती है। जो महेंद्र, मानसिक रूप से जो दिव्यांग है, उसका इन 20 वर्षों में बुलबुल को सेक्सुअली अब्यूज़ करना शुरू ही रहता है। और फिर एक दिन जो बिनोदिनी है, वो इंद्रनील के कान भरना शुरू करती है बुलबुल के विरुद्ध, कि किस प्रकार से बुलबुल सत्या से प्रेम करती है, वो दोनों कैसे नज़दीक है। और फिर बुलबुल और सत्या की नज़दीकियों की वजह से इंद्रनील बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। फिर वो सत्या को लंदन भेज देता है, पर सत्या के लंदन जाने के बाद भी बुलबुल का अपने छोटे देवर के प्रति प्रेम कम नहीं होता। और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा चिढ़कर वो लोहे की रॉड से बहुत निर्ममता से बुलबुल को पीटता है, खून से लथपथ होने तक वो उसे पीटता है। और फिर इंद्रनील घर छोड़कर चला जाता है। अब बुलबुल का शरीर पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है। एक डॉक्टर उसे जिस तरह से पट्टी वगैरह कर बिस्तर से बांध देता है। अब ऐसी जर्जर अवस्था में महेंद्र उसके साथ बहुत ही भयानक तरीके से बलात्कार करता है, यानी वो खून से लथपथ होने तक उसके साथ बलात्कार करता है और वो यहाँ पर बुलबुल की मृत्यु हो जाती है। पर उसी रात को बुलबुल को देवी शक्तियाँ मिलती है, वो फिर से जीवित हो जाती है। दूसरे दिन जब बिनोदिनी वहाँ पर आती है तो वो बुलबुल से कहती है कि ठाकुर के यहाँ तुम्हारा विवाह हुआ है, इतने ये जो बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती है, बड़े घर होते हैं, इनमें ये सब बातें आम होती है, रोने धोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, चुप रहना तुम। भले ही ये सब हमारे साथ में होता है, लेकिन गहने तो मिलते हैं, रेशम तो मिलता है, भले ही पति से मिले या उसके भाई से, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब फिल्म में केवल बड़ी हवेलियाँ ही नहीं, हर घर में महिलाओं पर अत्याचार होता है ऐसा दिखाया है। गांव के एक मास्टर जी हैं, वो भी अपनी पत्नी को हड्डियाँ टूटने तक पीटते हैं ऐसा बताया है। एक घोड़ा गाड़ी चलाने वाला चालक है, वो भी अपनी पहली पत्नी होते हुए दूसरी शादी करता है, अपनी पहली पत्नी पर बहुत वो उसे परेशान करता है, तो पहली पत्नी उसकी आत्महत्या कर लेती है। यानी हर जगह पर महिलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, इस प्रकार से फिल्म में दिखाया है। अब देखिए, बुलबुल को देवी शक्तियाँ मिल चुकी होती है तो सबसे पहले महेंद्र को मारती है। बिनोदिनी विधवा हो जाती है तो फिल्म में बताया है कि बिनोदिनी का मुंडन करके उसे महल से बाहर निकालकर अन्य विधवाओं के साथ में आश्रम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो हमेशा दिन रात जप वगैरह करती रहती है और अपने आप को ही, अपने प्रारब्ध को ही वो कोसती रहती है।
इसके बाद में फिर सत्य अपनी भाभी से मिलने के लिए लंदन से वापस आता है। गांव वापस आने के बाद में उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल लोगों को मार रही है, और फिर वो इसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने की कोशिश करता है कि आखिर ये कौन है। वो इन चुड़ैल वगैरह बातों में विश्वास नहीं करता, उसका मानना होता है कि कोई आदमी ही, कोई व्यक्ति ही इन लोगों को मार रहा है। अब देखिए, फिल्म बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्टेबल है। इन फिल्म का जो ओपनिंग सीन है उसे देखकर ही कोई भी गेस कर लेगा कि ये जो 5 वर्ष की बुलबुल है ये आगे जाकर चुड़ैल बनने वाली है, ये जो इंद्रनील है बहुत अत्याचारी होने वाला है, और ये जो सत्या है उसके और बुलबुल के बीच में कुछ प्रेम संबंध होने वाले हैं। ये कोई भी गेस कर लेगा ओपनिंग सीन को देखकर ही। तो आगे पूरी फिल्म में हमें कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता, और कुछ ट्विस्ट या सस्पेंस तो फिल्म में है ही नहीं। पर दो बातें फिल्म की हमें बहुत प्रभावित करती है, एक तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। फिल्म विजुअली दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें कोई संशय नहीं, और दूसरा परफॉर्मेंसेस। सभी एक्टर्स ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया है, लेकिन जहाँ तक बात है स्टोरी और कैरेक्टर्स को डेवलप करने की, तो वहाँ पर ये फिल्म ऑडियंस को इन कैरेक्टर्स और स्टोरी के साथ में जोड़ने में उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि फिल्म का ज़्यादातर फोकस ये दिखाने पर था कि भाई भारतीय समाज कैसे दकियानुसी परंपराओं से भरा हुआ है। ये बात हम हर एक सीन और फिल्म के डायलॉग से स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब देखिए, किसी एक परिवार की या किसी एक व्यक्ति की सोच को गलत दिखाना एक अलग बात होती है, पर पूरे के पूरे भारतीय समाज को, संस्कृति को टारगेट करना, उसके खिलाफ लोगों को उकसाने की कोशिश करना एक अलग बात होती है, और ये फिल्म वही करती है। जितना हो सके भारतीय समाज को, हमारी परंपराओं को, संस्कृति को जितना हो सके निगेटिव वे में फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। देखिए, भारतीय संस्कृति हमेशा से ही नारी प्रधान रही है। हमारे जितने भी महान योद्धा है, महापुरुष है, जो देवता है, ईश्वर है, उनके नाम आप देख लीजिए, गंगा पुत्र भीष्म, कुंती पुत्र अर्जुन, अंजनी सुत, हनुमान जी, देवकी नंदन कृष्ण, इन उनके माता के नाम से उनकी पहचान होती है। गार्गी, वैवस्वती, लोपामुद्रा, अदिति, सूर्या, इन जैसी कई सारी महान ऋषिकाओं ने हमारे वेदों और उपनिषदों की ऋचाओं की, मंत्रों की संरचना की है, रचना की है। कई सारे महान ऋषियों को उन्होंने शास्त्रार्थ में पराजित किया है। इतनी विद्वान यहाँ की महिलाएं हमेशा से रही है, और हमारी ही एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर स्त्री को आदिशक्ति का स्वरूप कहा जाता है, नारी को नारायणी का स्वरूप कहा जाता है। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की, स्त्री की पूजा होती है वहीं पर देवता रमण करते हैं। ये हमारी संस्कृति की सीख है, और केवल प्राचीन भारत ही नहीं, अभी आप हमारा गुलामी का इतिहास देख लीजिए, जब जितनी भी विदेशी आक्रमणकारी आए उनके खिलाफ हमारी अनगिनत महान रणरागिनियों ने उनके दांत खट्टे किए हैं, उनको करारा जवाब दिया है, जैसे कि रानी दुर्गावती जी, रानी चिन्नम्मा जी, रानी वेलुनाचार्य जी, रानी अबक्का जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, इन जैसी अनगिनत रणरागिनियों ने लाखों महिला योद्धाओं के साथ में इन विदेशी आक्रमणकारियों को करारा जवाब दिया है। वो इतिहास छोड़िए, अभी की हाल का ही आप समाज देख लीजिए ना, आज भी आप भारत के गांव-गांव में जाकर देख लीजिए, हर घर की जो होम मिनिस्टर होती है वो वहाँ उस घर की माँ ही होती है, एक महिला ही होती है, उससे पूछे बगैर घर का कोई निर्णय नहीं लिया जाता। मुझे बड़े जो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं या जो बड़े बड़े हाई सोसाइटी कल्चर है उसके बारे में तो नहीं पता, पर आज भी अगर आप भारत के गांव में जाएंगे तो ज़्यादातर महिलाएं स्वयं रोजगार से पैसा कमाती है, चाहे पापड़ बनाकर बेचना हो या अचार बनाकर बेचना हो या सिलाई काम करना हो या फिर साड़ी वगैरह बेचना हो, किसी ना किसी प्रकार से भारत की महिलाएँ स्वयं रोजगार से परिवार को हर संभव परिवार की सहायता करती है। ये तो पश्चिमी देशों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज से कुछ 70-80 वर्ष पहले तक भी वहाँ पर महिलाओं को वोटिंग के अधिकार नहीं थे, उन्हें वोटिंग के अधिकार के लिए रस्तों पर आना पड़ता था, वहाँ से ये फेमिनिज्म की वहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हुई है। तो ये जब ब्रिटिश भारत में आए ना, उन्होंने देखा कि यार हमारे यहाँ पर तो महिलाओं को पकड़ पकड़ कर जिंदा जलाया जाता है विच हंटिंग के नाम पर, कोई भी अधिकार नहीं है महिलाओं को वहाँ पर यहाँ पर तो आने के बाद में कई सारी महान रणरागिनियों ने ही ब्रिटिशों के दांत खट्टे किए। तो उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि यार यहाँ की महिलाएं इतनी ज़्यादा सशक्त कैसे हैं, और इस देश को हम गुलाम आखिर बनाएंगे कैसे, इस देश की संस्कृति को हम नष्ट कैसे करेंगे, इस देश को हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। और इसलिए फिर ये जो मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था है उसके द्वारा जिन कुप्रथाओं का हमारी संस्कृति से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उनका हमारी संस्कृति से कनेक्शन जोड़कर जानबूझकर हमारी संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की गई, जैसे कि घूंघट प्रथा या बाल विवाह या फिर जो सती कुप्रथा है, इनका हमारे किसी भी भारतीय धर्मग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में कहीं पर भी कोई उल्लेख ही नहीं है। ये विदेशी आक्रांता हमारी महिलाओं को पकड़कर उनको हरम में ले जाकर जो एक भोग की वस्तु की तरह उपयोग करते थे, उनके साथ में जो सामूहिक बलात्कार वगैरह होते थे, बच्चे पैदा करने की मशीन की तरह जो उन्हें हरम में उपयोग किया जाता था, उस वजह से अपने चरित्र और शील की रक्षा के लिए हमारी यहाँ पर जौहर कुछ महिलाएँ करती थी, और उसको फिर इन अंग्रेज़ों ने सती कुप्रथा का नाम देकर इस प्रकार से हमारे भारतीय समाज को जानबूझकर इस सती कुप्रथा को भारतीय संस्कृति के साथ में जोड़ा। यह घूंघट हमारी
इतिहास उठाकर देख लीजिए, प्राचीन भारत का इतिहास या फिर गुलामी का हमारा इतिहास, अनगिनत महान रणरागिनियों के हमें नाम मिल जाएंगे, पर फिर भी जानबूझकर घूंघट प्रथा को भारतीय संस्कृति के साथ में जोड़ दिया। या फिर अगर बाल विवाह की हम बात करें, तो देखिए अगर युवा हो तो ब्रह्मचर्याश्रम के बाद में 18 वर्ष की आयु के बाद में जब गृहस्थाश्रम में व्यक्ति युवा जाता है उसके बाद शादी करने का विधान है। या अगर स्त्री हो तो युवावस्था में स्वेच्छा से स्वयंवर से उसे वर चुनने की स्वतंत्रता थी। ऐसा हमारा इतना महान इतिहास रहा है, पर जानबूझकर कुछ अपवादात्मक घटनाओं को लेकर हमारी संस्कृति को बदनाम किया गया और इसी मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था का परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज की हमारी एक बहुत बड़ी जनरेशन आप देख लीजिए जो अपने ही देश को गाली देना कूल समझती है, जो एक तरफ तो घूंघट को एक महिलाओं की सेक्सुअल और दमन करना एक पेट्रियार्कल समाज का प्रतीक मानती है और दूसरी तरफ हिजाब को वो स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हैं। अब देखिए दीपा मेहता की वाटर फिल्म आप लीजिए या फिर ये बुलबुल लीजिए, इन सब में भारतीय संस्कृति में कैसे विधवा महिलाओं का शोषण किया जाता है, कैसे उन्हें आश्रमों में वगैरह भेजकर उनका दमन किया जाता है, इस प्रकार से भारतीय संस्कृति का चित्रण उन्होंने किया है। यानी कुछ अपवादात्मक बातों को पूरे भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में इन फिल्मों में दिखाने की कोशिश की है। और बुलबुल में तो उन्होंने जो पाँव में जोड़े पहने जाते हैं शादी के बाद में उनको तक टारगेट किया है, और वैसे कोई नई बात नहीं है। 16 श्रृंगारों का विरोध करना ये फेमिनिस्टों का प्रमुख एजेंडा है भारत में, हमेशा से ही दशकों से उनका प्रमुख एजेंडा रहा है। मंगलसूत्र पहनना या बिंदी लगाना, 16 श्रृंगार करना, इनको हमेशा टारगेट करते हैं। पर दूसरी तरफ ये लोग हिजाब पहनने को या बुरखा पहनने को स्वेच्छा बताते हैं। मैं सबका सम्मान कर रहा हूँ, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा, पर 16 श्रृंगारों की जब बात आती है तब उन्हें हिंदू महिलाओं की स्वेच्छा नज़र नहीं आती। और 16 श्रृंगारों की अगर हम बात करें तो उसके पीछे उनका एक वैज्ञानिक महत्व भी है। 16 श्रृंगारों में कमर के ऊपर सोना और कमर के नीचे चांदी पहनने के लिए कहा जाता है। सोने की प्रकृति उष्ण होती है, गर्म होती है, और चांदी की शीतल होती है। दोनों ही परस्पर विरोधी है, इस वजह से वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जब हम कमर के ऊपर सोना पहनते हैं और नीचे चांदी पहनते हैं तो हमारा सर ठंडा रहता है, और जो पैरों के कमर के नीचे जो चांदी हम पहनते हैं वो ऊपर सर की गर्मी को नीचे पैरों की तरफ खींचती है। इससे जीवन शक्ति को नियंत्रित करने में, उसका विकास करने में भी मदद मिलती है। और कमर के नीचे के जो आभूषण होते हैं जैसे कि पायल पहनना, जोड़े पहनना, जिन्हें बिछुआ भी कहा जाता है, उनकी वजह से जो गर्भाशय और मासिक धर्म संबंधी रोग होते हैं उनमें भी लाभ होता है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को तो कोई भी नकार नहीं सकता है, पर इन सब बातों को, 16 श्रृंगारों को, इन सब बातों को पेट्रियार्की से जोड़कर, पुरुष प्रधान समाज से जोड़कर, जानबूझकर एक सिस्टमैटिक वे में हमारी संस्कृति को नष्ट करने की, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की ये लोग कोशिश करते हैं। दोस्तों भारत के ज़्यादातर जो फिल्म मेकर्स हैं वे कभी भी अपने प्रोपेगेंडा से अलग हटकर कोई फिल्म नहीं बना सकते हैं। वो किसी न किसी प्रकार से कम ज़्यादा मात्रा में अपनी फिल्मों के द्वारा भारतीय संस्कृति के विरुद्ध प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश वे करते ही है, और इसमें उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी है जो बचपन से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी जनरेशन्स को ठोक पीट कर अपने ही देश से नफरत करना सिखाती है। हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उसे दिखाने में उन्हें शर्म महसूस होती है, और कोई इक्का दुक्का फिल्म मेकर अगर फिल्म बनाता भी है तानाजी वगैरह जैसी तो उसका भी ये लोग विरोध करते हैं। मैं बुलबुल को दूंगा 5 out of 10 stars। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो न्यूडिटी तो नहीं है, पर एक बलात्कार का सीन है, एक चाइल्ड अब्यूज का भी सीन है, वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। एक सीन में इंद्रनील लोहे की रॉड से बुलबुल को खून से लथपथ होने तक पीटता है, तो ये बच्चों की दृष्टि से काफ़ी डरावना सीन हो सकता है। इसके अलावा ड्रिंक और स्मोक करने वाली भी सीन है, तो परिवार के साथ में देखने जैसी तो ये फिल्म नहीं है। दोस्तों आपने अगर ये फिल्म देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।